राजगढ़ जिले में ब्यौरा में स्थित विमुक्त गुमकड़ जनजाति विकास द्वारा ही संचालित यहां पर विमुक्त जाति बालक छात्र छात्राओं के साथ ही एक दर्जन छात्राओं को 26 जनवरी के दिवस पर यहां पर उक्त विद्यालय का एक शिक्षक शैलेंद्र समाधिया वरिष्ठ अधिकारी को बिना यहां पर परमिशन के बच्चों को निजी वाहन के साथ ही मोहनपुरा डैम घुमाने ले गया है, जहाँ पर आपको पता चले उक्त शिक्षक ड्राइंग डे होने के बावजूद भी यहाँ पर शराब के नशे में धुत होकर वाहन चलाकर अचानक किसी जानवर के सामने आ जाने के साथ ही वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया है, जहां पर आपको पता चले कि गोलू नामक एक छात्र के हाथ में चोट आ चुकी है। छात्रवासियों और अधीक्षक के साथ श्रीमती शीला गर्जन ने बताया है कि बिना परमिशन के उक्त शिक्षक बच्चों को घुमाने के लिए ले गया था, जिसकी यहां पर विभागीय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत की गई है। प्राइम बी की न्यूज शनि के लिए मुकेश सक्सेना की खास रिपोर्ट। विबोल ये कल बच्चों के साथ जो हादसा हुआ, किस तरह से हादसा हुआ? ये हमारा जो शैलेंद्र समाधिया शिक्षक है यहाँ पर, जो 6 जनवरी को ज्वाइन हुए हैं, अपनी गाड़ी में बच्चों को बिना परमिशन से घूमने ले गए। तो जो डैम घुमाता हूँ चलो, तो बच्चे चले गए जिसका किसी को मालूम नहीं, किसी ने परमिशन नहीं दी, बिना परमिशन से। किस तरह से हादसा हुआ है? ये हादसा बच्चों ने बताया कि एक भैंस को बचाने को वो खंभे से जा टकराई, तो गाड़ी ऐसे हो गई और वहाँ से फिर हम तो अलग हो गए और वो नशे में थे तो उसमें बैठे रह गए। शराब का आरोप लगाया उन पे बच्चों ने? हाँ जी। तो कल तो वैसे ही सूक्ष्म दिवस था, फिर भी उसके बावजूद शराब? यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम होना था मिनी बुक हो चुका, उसके बाद बच्चे वहाँ चले गए, उसमें से शिरकत के बच्चे चले गए। मैं भी मैडम के साथ में प्रोग्राम देखने चली गई, क्योंकि बच्चों पे भी नजर रखते हैं, प्रोग्राम भी देखते हैं, अपना पास में हो रहा है। वहाँ से आए तब तक ये लोग। अच्छा, तो काफ़ी बड़ा हादसा होने का था, संभावना थी, बड़ा हादसा हो सकता है। अब क्या कार्रवाई? अब कार्रवाई एक्शन। आपने अभी कुछ उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है पूरी घटना से, उन्होंने बताया कि पूरी घटना डिटेल में हमें बताया। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस